मैं जब भी इंडिया के लिए बॉलिंग करता हूं तो बहुत क्रूशियल स्टेजेस पे बॉलिंग करता हूं, चाहे नया बॉल हो या किडनी खा के जाते हो क्या माता पिता? नहीं, कभी भी सिचुएशन टफ होती है तो मेरे को सिचुएशन में बॉलिंग करनी होती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं टीम की मदद कर पाता हूँ और कोई भी टफ सिचुएशन से मैच अगर निकाल पाता हूँ तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है, और आगे जाते हुए भी वो मैं कॉन्फिडेंस को कैरी करता हूँ। और स्पेशली ये टूर्नामेंट में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आई जहां मुझे टफ ओवर्स डालनी थी और मैं टीम को हेल्प कर पाया और मैच जिता पाया। जितना मैंने क्रिकेट को देखा है, हमेशा देखा है 90 के बाद कितना ही विक्टरी का मूड हो, सब कुछ हो, फिर भी जो बैट्समैन होता है वो थोड़ा सीरियस हो जाता है। 90 के बाद वो वैसा ही, लास्ट ओवर हो, हार जीत एक बॉल के सहारे हो, तो कितना बड़ा तनाव होता होगा। ऐसे में उन समय कैसे आप संभालते हैं अपने आप को? अगर मैं सोचूंगा कि हार जाएंगे या मेरे को मैच में कुछ एक्स्ट्रा करना है तो मैं शायद गलती कर दूंगा या नर्वस हो जाऊंगा, या क्राउड को देखूं या नर्वस होकर दूसरे लोगों को देखूं तो शायद मेरे से गलती हो सकती है। तो मैं उस टाइम फोकस करता हूं अपने आप के बारे में, सोचूं कि मैं क्या कर सकता हूं, और जब मैंने पहले अच्छा किया है तो मैंने क्या किया है जब मैंने टीम को हेल्प कर पाया हूं, तो उस वो सब चीजें याद करने की कोशिश करता हूं कि अच्छे दिन में मैंने टीम को कैसे हेल्प किया है, तो वो सब चीजें याद करके अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूं। लेकिन ये तो बड़ा तनाव रहता होगा यार, पराठे के बिना दिन उसके निकलता नहीं। और नहीं सर, वेस्ट इंडीज में तो इडली पराठे कुछ भी नहीं मिल रहे थे, जो मिल रहा था उससे ही काम चला रहे थे हम लोग। पर या बहुत अच्छा सिनारियो रहा, बहुत बैक टू बैक हम ट्रैवल भी कर रहे थे, तो एज ए टीम बहुत अच्छा टूर्नामेंट गया। फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप जीते, इतना इमोशंस कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो बहुत प्राउड फीलिंग है, और इससे बेटर फीलिंग मैंने आज तक एक्सपीरियंस ही नहीं की।